अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं साबिर अली और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल इस्लामिक वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये चार लोग अल्लाह की बारगाह में कभी भी माफ नहीं किए जाएंगे, यानी कि इन चार लोगों की कभी मगफिरत नहीं होगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और इन चारों कामों के बारे में जान लीजिए, और अगर आप भी इनमें से कोई एक भी काम कर रहे हो तो आज ही अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लीजिए, वरना आपकी भी बख्शिश नहीं होगी। और दोस्तों, आप इस वीडियो को देखकर केवल अपने तक ही ना रखना, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इब्ने माजा हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में हर वो शख्स बख्शा जाएगा जो अल्लाह पर ईमान रखता है, मगर चार ऐसे लोग हैं जिनकी बख्शिश नहीं होगी और इन चार लोगों को अल्लाह कभी भी माफ नहीं करेगा। नंबर एक, अपने माँ बाप को सताने वाला। दोस्तों, हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसा शख्स अल्लाह की बारगाह में नहीं बख्शा जाएगा जो अपने माँ बाप का दिल दुखाता है, यानी कि माँ बाप की इज्जत नहीं करता है, अपने माँ बाप को बुरा भला कहता है, अपने माँ बाप से बदतमीजी करता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने माँ बाप को परेशान कर रहे हो या किसी वजह से आपके माँ बाप आपसे नाराज चल रहे हैं तो आज ही उनके पास जाएं और उनको राजी कर लें, वरना अल्लाह की बारगाह में आपकी भी बख्शिश नहीं होगी। नंबर दो, दिल में कीना रखने वाला। दोस्तों, हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसा शख्स भी अल्लाह की बारगाह में नहीं बख्शा जाएगा जो अपने दिल में कीना रखता है, यानी कि किसी के लिए नफरत रखता है, यानी कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या दूसरों को नफरत की निगाहों से देखता है, तो ऐसे शख्स को भी अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। नंबर तीन, रिश्तेदारों में तोड़ पैदा करने वाला। दोस्तों, हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसा शख्स भी अल्लाह की बारगाह में नहीं बख्शा जाएगा जो अपने रिश्तेदारों में तोड़ पैदा करता है, यानी कि रिश्तेदारों में लड़ाई झगड़े करवाता है या रिश्तेदारों को लड़वाने का काम करता है, यानी कि जो शख्स अपने रिश्तेदारों के बीच बुराई पैदा करता है, जो रिश्तों की अहमियत को नहीं समझता है, तो ऐसे शख्स को भी अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। नंबर चार, शराब पीने वाला। दोस्तों, हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसा शख्स भी अल्लाह की बारगाह में नहीं बख्शा जाएगा जो शराब पीता है, क्योंकि शराब पीना इस्लाम में कबीरा गुनाह है, यानी कि बड़ा गुनाह है। अल्लाह हर गुनाह को माफ कर देगा, मगर जो शख्स शराब पीता है और अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा नहीं करता है तो ऐसे शख्स को भी अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। तो दोस्तों, इन चारों कामों से आप हमेशा बच के रहना, वरना आपकी भी बख्शिश नहीं होगी, आप चाहे जितनी नेकियां कर लेना। तो अगर आप इन कामों में से कोई एक भी काम कर रहे हो तो आज ही अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाकर और सच्चे दिल से तौबा कर लें।